पेश है हिंदी जबान में अपडेट। मोदी शासन तथा इसका आज्ञाकारी मीडिया निरंतर दावे कर रहा है कि भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में नॉर्मलिटी आ गई है, परंतु ये दावे सच्चाई से दूर हैं। प्रतिदिन के छापों, कासों, गिरफ्तारियां भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में मोदी के नॉर्मलिटी के बड़े बड़े दावों के विरुद्ध हैं। भारत ने भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में भारी संख्या में सेना तथा युद्ध मशीनरी के एकत्रण द्वारा सैन्यकृत नॉर्मलिटी स्थापित की हुई है। मोदी शासन ने भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में अपूर्व सैन्यकृत उपायों द्वारा एक घुटन का वातावरण उत्पन्न किया हुआ है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में भारत के नॉर्मलिटी की वापसी के बड़े बड़े दावे एक क्रूर उपहास के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में नॉर्मलिटी के झूठे प्रोपेगेंडा का लक्ष्य केवल विश्व को मिसलीड करना है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में कश्मीर विवाद के समाधान के बिना शांति तथा स्थायित्व उपलब्ध नहीं हो सकती। भारत द्वारा कश्मीरियों के स्वयं निर्णय के अधिकारों से इनकारी एक शांत तथा स्थायी दक्षिण एशिया के मार्ग में मुख्य बाधा है। सैन्यकृत कश्मीर में नॉर्मलिटी की स्थापना के लिए कश्मीरियों को अपने भविष्य के विषय में स्वयं निर्णय का अवसर दिया जाना चाहिए।